नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। एक क्वेरी मुझे ना काफ़ी दिनों से आ रही है, जो अभी न्यू एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है या नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो यार 70 कॉलेजेस हैं, और अटेंडेंस की बात करें तो 70 कॉलेजेस के अपने अपने रूल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एज सच कोई रूल आज तक मुझे देखने को नहीं मिला कि 75% अटेंडेंस जो है वो आपकी कंपलसरी है। मैं आपको 75% का जो पूरा सिस्टम है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो, आपको आपके मैसेज का जवाब मिल जाएगा। जल्द ही मैं आपको अपना एक फ़ोन नंबर देने वाला हूँ जिसके अंदर आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो। हम डेली लाइव सेशन कंडक्ट करवाएंगे और आपके क्वेश्चंस लाइव पिक करके लाइव उनका सोल्यूशन देंगे। सो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस का 70 रूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, कोई कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, किसी कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। तो हर कॉलेज का अपना अपना रूल है। ऐसे कोई नहीं कह सकता यार कि सभी कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बिकॉज जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किए वहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी, और एक और मेरे दोस्त का कॉलेज है वहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी। तो ये हर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो एक कैसा रूल जो है वो फॉलो कर सकता है। इसके लिए आप उनका ब्रोशर जो है वो पढ़ सकते हो। ब्रोशर जो होता है कॉलेज का, ब्रोशर वो आप उसको रीड कर सकते हो, या जो आपका उनका मैगजीन आती है कॉलेज की वो आप रीड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में आप उनकी पर्सनल वेबसाइट जो है, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। बाकी देखो यार, एक चीज़ जो कॉमन रूल होता है सभी कॉलेजेस के अंदर वो ये होता है 75% अटेंडेंस का, कि आपको ना 5 मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि पेपर जो होता है आपका फाइनल ईयर का, वो 75 मार्क्स का होता है, और 25 मार्क्स की इंटरनल्स होती है, जिसमें कि 10 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के या असाइनमेंट जो आप जो बनाते हो उसके मिलते हैं, एंड 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अटेंडेंस के होते हैं। जब आप 75% अटेंडेंस कंप्लीट करते हो तो 1 से 2 नंबर मिलते हैं, 80% करते हो तो 3 नंबर मिलते हैं, 85 या 90 होते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, 95% या 100 होते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि ये मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हालांकि ये 75% कंपलसरी अटेंडेंस वाला जो रूल है वो हर एक कॉलेज में लागू नहीं होता है। तो जिस भी कॉलेज में आप अटेंडेंस लो वहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो, किसी भी थ्रू आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। बाकी आप अपने सीनियर्स अगर आपके हैं किसी कॉलेज में तो उनसे पूछ सकते हो, उन सीनियर से बात कर सकते हो, उनके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इसी तरीके की और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर करें और लगातार देखते रहें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।